ओके जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और हम आज जो है वो अपना ऑफिशियल जो है वो लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करके फिर उसके बाद मज़ीद फर्दर आगे डेलिब्रेशंस के ऊपर जाते हैं, और फिर जो है वो मज़ीद आगे हम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने की तरफ जो है वो मूव करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, एक चीज़ जो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है वो ये करनी है कि थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन थी, जिस कन्फ्यूजन की जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिली थी लास्ट क्लास के बारे में, कि वेदर आपकी क्लास जो है वो होनी है या नहीं होनी है, जिस वजह से आपकी जो है वो लास्ट क्लास नहीं हो सकी थी। तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि कल इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर जो है वो आपकी एक क्लास और स्केजुअल होगी, और उस क्लास के अंदर जो है वो हम जो है जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं या जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह डिस्कस करके फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऑफिशियली आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक आपकी क्लास जो है वो आज है 11 बजे जो कि अभी चल रही है, दूसरी क्लास इंशाल्लाह कल है आपकी, और कल वाली जो क्लास है वो भी इंशाल्लाह इसी टाइम पर होगी। मुझे कल के दिन के लिए सिर्फ टाइम कंफर्म कर दो कि 11 का टाइम ओके है या हम 12 बजे तक क्लास को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 12 बजे हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज रमज़ानों में जो आपकी क्लास है वो 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो मुझे ये बता दो कि 11 बजे ओके है या 12 बजे तक मैं ले जाऊँ, जल्दी से पहले मुझे ये कन्फर्म कर दो। जी एवरीवन, अली, आसिफ, ममूना, फुरकान, उमर, सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल अली, आवाज आ रही है। सर सर मंडे को भी पेपर है तो क्लास, ऐसा पॉसिबिलिटी कि अगले हफ्ते ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मंडे को ही पेपर है फिर। अच्छा अली, असल में सिर्फ मसला ये है कि हमारे पास जो आपकी मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है ना, वो ये आई है कि जिस एक पर्टिकुलर उसमें मेरा पेपर होगा ना, मतलब जिस हफ्ते में मेरा पेपर होगा, मैं सिर्फ उस हफ्ते की क्लास ड्रॉप करूँगा, उसके अलावा मैं पूरे हफ्ते में किसी कोई भी क्लास ड्रॉप नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरे पास जो है वो क्लासेस आपकी मौजूद हैं, यानी कि अगर आपका जो चल रहा है पेपर्स वगैरह आपके बिल्कुल चल रहे हैं, तो उस पेपर के अंदर जो है वो क्लासेस जो उन्होंने रखी हुई है वो इस तरीके से हैं कि दे विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग द क्लासेस, एंड दे हैव सेड कि जी आपकी चूंकि जो क्लासेस हैं, यानी कि जो आपका स्केजुअल चल रहा है वो स्केजुअल एज इट इज फॉलो होगा। एक बात, दूसरी बात ये, आई एम नॉट श्योर कि आपके मंडे से पेपर्स होंगे या नहीं होंगे, ये आप जो है वो थोड़ा सा चेक कर लो, क्योंकि अभी मैं एक चीज देख रहा था तो उसके मुताबिक जो है वो शायद सर पेपर चल ही रहे, पेपर चल रहे हैं आप लोगों के? सर पेपर चल रहे थे लेकिन हो भी गए, और मंडे को चौथा पेपर है मैनेजमेंट का। तो चलो बस, अगर दैट इज द केस तो फिर आप इसको जो है वो कंफर्म एक दफा देख लो। रीजन बीइंग के मुझे इसका नहीं पता कि आगे आपके जो है वो पेपर से क्या स्केड्यूल बनता है, बट पॉइंट इज हमें तो ये इंस्ट्रक्शंस है कि जिस जिस वीक में जो है वो पेपर होगा उस सिर्फ हम उस वीक में क्लासें लेंगे। लाइक जिस तरीके से मेरा पेपर 30th को है, इफ आई कैन करेक्टली रिकॉल, अप्रैल 30th को मेरा पेपर है। ठीक है, तो मैं आपकी वो सैटरडे वाली क्लास ड्रॉप कर सकता हूँ। अब अगर तो ये आप चाह रहे हो कि मैं अगले उसके उस पर ले जाऊँ, तो वो फिर आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी संडे की कर लेते हैं, हम संडे की 1.5 घंटे की क्लास है, ज़्यादा का कुछ नहीं, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या आपके पेपर में इंक्लूड भी नहीं होगा। पेपर के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर के कौन कौन से लेक्चर्स हैं, तो पेपर में तो वो इंक्लूड भी नहीं होना है ना, तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वो इतना बड़ा कोई मसला बनेगा। 1.5 घंटे की वो टोटल क्लास है। मैं सिर्फ टाइमिंग का तो लोगों से पूछ रहा हूँ कि मुझे टाइमिंग का बता दो कि वॉट टाइमिंग इज फीजिबल फॉर यू, 11 बजे ओके है या मैं 12 बजे कर दूँ? What time is okay for you? 11 बजे okay है, और अगर मुझे confirm कर दो 11 बजे okay तो फिर हम 11 बजे का ही time रखेंगे, वरना फिर मैं 12 बजे कर दूंगा। जी अली, आसिफ, ममूना, फुरकान। जी फुरकान बेटा, सर ले लीजिएगा 11 बजे सर। चलो बस ठीक है, सही, I'll be locking it for 11. CR आपके आते नहीं है, वरना मैं आपके CR को coordinate करके बता देता। चलो being that CR को भी अपने अपडेट कर देंगे जी, आपकी जो क्लास है वो कल 12 बजे। एक मिनट तो मैं ये भी कंफर्म कर दूँ। ओके ठीक है, सही है। तो जो है वो हम लोग जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं, और आपकी जो है वो इंशाल्लाह दूसरी क्लास जो है वो अब कल आपकी क्लास है। ठीक है, चलिए एक बात तो ये हो गई। कमिंग बैक टू द टॉपिक,
सबसे पहले तुम लोगों के पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर ये जो एविडेंस बेस्ड एचआर है, ये एक तुम्हारी केस स्टडी है। ये केस स्टडी बेसिकली किससे रिलेट करती है? केस स्टडी रिलेट करती है रिक्रूटमेंट प्लानिंग से, प्लानिंग का वो प्रोसेस जो कि हमने लास्ट टाइम लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिटेल से पढ़ा था, और उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, किस तरीके से चीज़ों ने जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, कब हम डाउन साइज करते हैं, कब हम रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जाते हैं, कब हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से किस लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं, इसमें वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड थी। टाइम इज 11:20 तक का टाइम है, 4 मिनट तुम्हारे पास। इस केस स्टडी को पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस केस स्टडी के अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या था, यानी एक प्रॉब्लम था ना, तो वो बेसिक प्रॉब्लम क्या था एक लाइन के अंदर बताओगे सारे के सारे, और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन आपकी नज़र में क्या था, यानी आप उसको किस तरीके से प्लान आउट करते हैं अगर आप उसकी जगह पर होते। सिर्फ 2 लाइनों में मुझे आंसर चाहिए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 11:17 हो रहे हैं, 3 मिनट के अंदर ये केस स्टडी पढ़ो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी जनाब, पढ़ लिया आप सब लोगों ने? अली, आसिफ, महमूना, फुरकान, इकबाल, उमर, पढ़ा बेटा? जी बॉस, यस सर। ओके, मैमूना फर्स्ट बताओ, क्या इसके अंदर जो है वो बताया गया, या क्या चीज इसके अंदर होता है बेसिकली, ये किस चीज के बारे में, या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर, इसमें ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, तो फिर वो आगे जो केस स्टडी है 2014 में नॉर्थ कैलिफोर्निया में, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम कर दिए गए थे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम भी हो गया था 8.8 से 7.4 तक। लेकिन फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बिल्कुल खत्म कर दी जाए तो वर्कर के लिए मोटिवेशन नहीं रहेगी जॉब सर्च करने के लिए,
और उनका ड्यूरेशन कुछ टाइम के लिए कम भी किया था कि अगर ये देते रहे इनको बेनिफिट्स तो ये सिर्फ वही इंजॉय करते रहेंगे, जॉब सर्च नहीं करेंगे। ओके चले, थैंक यू सो वेरी मच मैमूना, और बहुत अच्छा तुमने एक्सप्लेन किया। देखो सबसे पहले तो ये है कि ये केस स्टडी है किस चीज़ की। इस केस स्टडी को समझाने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊं कि दुनिया के अंदर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वो अपने तमाम के तमाम वर्कर्स को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मेथोडोलॉजी से एकोमोडेट भी करते रहते हैं, एडजस्ट भी करते रहते हैं और फैसिलिटेट भी करते रहते हैं। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि देखो हर बिजनेस हर टाइम के अंदर या हर वर्क के अंदर लाजमी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल रहे। देयर मे बी समटाइम, लाइक जिस तरीके से अभी कोरोना की सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन के अंदर जो है बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस थी, बीइंग पार्ट ऑफ दिस कोरोना थिंग या बीइंग पार्ट ऑफ दिस कोविड या पेंडेमिक थे, इसके अंदर वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकी। और एज अ रिजल्ट उसको, चूँकि बेसिकली कंपनी इज मेड टू अर्न प्रॉफिट, और चूँकि वो अपना सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकी, तो वट द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू प्लान इज दैट दे मोस्टली एट टाइम्स प्लान के जी हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को लेट गो कर दें फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, या इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को छोड़ दें, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको यानी कि डिसकंटिन्यू कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेन किया जाए। और वंस जब उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपने साथ रिटेन किया जाए, अब जब सिचुएशन दोबारा से वापस अपनी जो है नॉर्मल हालात के अंदर आने लगे, तो हम दोबारा से जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ने डिसकंटिन्यू किया उनको दोबारा से एक्वायर बैक कर लें। अब ये तो पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा पर्सपेक्टिव है हमारे पास एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉय ये कहेगा या एम्प्लॉय का ये होता है कि जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन को तो आपने उसको निकाल दिया, तो जब आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, वट बेनिफिट्स अ स्टेट ऑफर्स इन सच सिचुएशन, क्या बेनिफिट होता है, क्या आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टेट ऑफर करती है ताकि आप अपने नॉर्मल सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें और आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकें। उस चीज को कवर करने के लिए या केटर करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डू इज दैट, जो गवर्नमेंट जो है वो एक पब्लिक पॉलिसी बनाती है। अब पॉलिसीज दो तरह की होती है, एक आपकी होती है प्राइवेट पॉलिसी, एक होती है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मोस्टली वो पॉलिसी होती है दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज बीइंग एप्लीकेबल ऑन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद इन दैट पर्टिकुलर प्रेमिसेस या विद इन दैट पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन, लाइक ईईओ एएपी, इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं ये आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक पॉलिसीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं और इंश्योर किया जाता है कि वो ऐसी की सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें, इन सारी की सारी पॉलिसी को अश्योर करें कि वो पॉलिसीज कंपनी जो है वो कंप्लाई करा रही है। अब जिस पब्लिक पॉलिसी का इसके अंदर जिक्र किया हुआ है वो ये जिक्र किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का। हमने लास्ट क्लास के अंदर डाउनसाइजिंग का पढ़ा था कि जी आपकी कंपनी डाउनसाइज हो रही है, सपोजिटली आपने अगर किसी कंपनी के किसी एरिया को डाउनसाइज कर दिया टेम्परेरीली, तो डाउनसाइज करने के बाद जब पब्लिक पॉलिसी उस पर्टिकुलर डाउनसाइज ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर डाउनसाइज एरिया के अंदर अगर हम बात करें, तो उस डाउनसाइजिंग एरिया के अंदर जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं एज पर पब्लिक पॉलिसी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम स्टाइपेंड की बात करते हैं, स्टाइपेंड की बात करते हैं। अगर तुम में से किसी ने इंटर्नशिप की हो तो तुम्हें पता होगा कि एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट जो है वो अग्री कर लिया जाता है कि जी आप काम करो उसके अगेंस्ट में आपको वो पैसे मिल जाएंगे, महाना वजीफा हम जिसे कहते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिहाज से होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के नाम से होती है जब आप अपनी जॉब के ऊपर नहीं होते, ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का जो है वो आप ये समझ लें एक तरीके से उसके रेप्रिकॉशंस बताए। तो सबसे पहला रेप्रिकॉशन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का बताया वो ये बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी आपकी कंट्री आपकी स्टेट के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो एक्चुअली रिजल्ट करता है हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये कि लोग चूंकि मोटिवेट नहीं होते या लोग चूंकि मोटिवेट नहीं रहते या लोग चूंकि इस चीज़ के ऊपर कन्विंस नहीं होते कि जी हमें दोबारा काम के ऊपर जाना है, तो व्हाट दे डू इज दैट, और उनको चूंकि घर बैठे बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा होता है तो व्हाट दे डू इज दैट दे प्रेफर कि जी हमें घर बैठे बैठे अनएम्प्लॉयमेंट।
और जब लोग घर बैठना ज्यादा शुरू हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की वजह से, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होता है या एम्प्लॉई नॉट एट जॉब का रेशियो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसके आगे इन्होंने फर्दर आगे क्या चीज उस पर एक्सप्लेन की है, वो ये है कि इवन दो जो आपके बेनिफिट्स और बेनिफिशरीज हैं, यानी कि आपके जो बेनिफिट्स हैं लाइक जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट्स आपके हैं ऑल दो दे प्रूव दैट, मतलब ये बेनिफिट जो है वो एक्चुअली इसको ये प्रूव करना चाहिए, ये बेनिफिट देने का मकसद ये है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को देख सके या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च कर सके। बेसिकली ये देने का मकसद तो यही है कि जी हम आपको टेम्प्रेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर जो ये बेनिफिट दे रहे हैं, बट यू नीड टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर द जॉब ताकि आप जो है वो इस स्टाइपेंड या इस बेनिफिट को जो है ख़त्म करके आप दोबारा से वापस अपनी जो है वो जॉब प्रोफाइल के ऊपर या अपनी जॉब लेवल के ऊपर आ जाए। लेकिन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लोग नॉर्मली इसके अगेंस्ट जाते हैं एंड व्हाट दे डू इज दैट वो इस बेनिफिट को कंटिन्यूसली इंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, और इन एडिशन टू इट दे डोंट एक्टिवली लुक फॉर द जॉब फॉर द टाइम फॉर विच दे आर लुकिंग फॉर। एक मिनट बेटा, आई विल बी बैक, वन मिनट। ओके जी, सॉरी, गेटिंग बैक। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बेनिफिट के तौर पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है या पब्लिक स्टेट जो है वो यूटिलाइज करती है, बट उसका रिजल्ट जो डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं आता, बल्कि इंस्टेड लोग उस बेनिफिट को जो है उस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली एज अ बेनिफिट या एज अ लेजिटिमेट राइट जो है वो एंटरटेन करने लगते हैं, जिस वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बजाय इसके कि कम हो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इस लॉजिक या इस इशू या इस पूरे के पूरे हाइलाइटेड फैक्ट की वजह से क्या किया गया कि इसके ऊपर जो है वो इन्होंने अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर दिया। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर 10 साल के लिए, मिसाल के तौर पर 5 साल के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना। अब उन्होंने ये कहा कि जी जो बंदा जॉब पर नहीं है वो बंदे को 6 महीने तक हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे और 6 महीने के बाद उस बंदे का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ताकि वो अपने ताकि उसके ऊपर एक प्रेशर, उसके ऊपर एक फोर्स रहे कि जी 6 महीने तक तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा, 6 महीने के बाद मुझे मेहनत करनी है, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जो है वो अपना दूसरी जॉब ढूंढनी है, अगर नहीं ढूंढूंगा तो आज जो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है ये मुझे आगे कंटिन्यू नहीं होगा और फिर मेरे पास पैसे कमाने का जरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉलिसी की एडजस्टमेंट है जो कि लोगों के रिएक्शन को देख के क्रिएट की गई। पॉलिसी कौन सी थी? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की पॉलिसी थी। अब जब नीचे आए तो और मजीद उसने एक रीसेंट एग्जांपल दी है कि नॉर्थ कैलिफोर्निया की स्टेट के अंदर जो है उन्हें एग्जाम्पल दी है कि इस यहाँ पे एक बड़ी नई डिबेट जो है वो स्टार्ट हो गई। नई डिबेट किस तरीके से स्टार्ट हुई कि एक आपके पास तरहील स्टेट है, तरहील स्टेट्स के अंदर उन्होंने क्या किया कि बेसिकली आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का ड्यूरेशन था या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का जो पीरियड था
वो 26 वीक से रिड्यूस करके उन्होंने क्या किया कि अपना जो पीरियड है वो रिड्यूस किया और रिड्यूस करके 26 वीक से कम कर दिया। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड जो ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में था वो 12% था एक वीक के अंदर। ठीक है, अब क्या, सॉरी 12 वीक तक स्टाइपेंड था। ठीक है, और जो तरजील स्टेट है उसने 26 वीक से भी कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो दो चीजें थी, ये जो दो फैक्ट्स हैं कि भाई कंपनी ने 26 से कम किया और जो स्टेट का नॉर्मल स्टैंड था वो 12 वीक्स का था। ठीक है, ये जो दोनों फैक्ट्स हैं इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीजें जो ऊपर हमारे जो फैक्ट्स हमने बयान किए वो इस मूवमेंट से बहुत ईजिली क्लियर हो गए। कैसे क्लियर हो गए? अब दो रिजल्ट आए, मतलब तरहीन स्टेट के अंदर जो है वो रिड्यूस करने से दो आपके पास चीज आई। पहली चीज ये आई कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप होने का मतलब ये है कि लोगों ने जो है, चूंकि लोगों को पता चल गया कि जी हमारी स्टेट ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो कम कर दिया है। पहले अगर वो 26 हफ्तों के लिए मिलता था तो उसे 10 हफ्तों के लिए मिलेगा, 8 हफ्तों के लिए मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या आया कि फौरन से पहले लोगों ने जो है, लोग एक्टिव होकर, लोग एक्टिव होकर उनकी डिपेंडेंसी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पर कम हो गई और उन्होंने जॉब सर्च करना स्टार्ट की। इसका ये हमें नज़र किधर आया? ये हमें नज़र आया स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर, जो कि सडनली ड्रॉप हुआ 8.8 से 7.4 की तरफ। ठीक है, अराउंड आपके पास 1.4% का डिक्लाइन आ गया आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, यानी कि वो लोग जिनके पास जॉब नहीं थी उसमें तकरीबन 1.4 लोगों की या 1.4% की रिडक्शन आ गई। ठीक है, अपेरेंटली या पहली ग्लांस के अंदर या जब हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो इट लुक गुड, ये एक अच्छी चीज़ लगती है। ठीक है, अब जो इसके बाद सेकंड फैक्ट है उसने इस चीज़ को मजीद फर्दर आगे जस्टिफाई किया। अब सेकंड फैक्ट ने उसको क्या बात कही गई, ये कहा गया कि दैट ऑल ऑफ दिस वॉज एट्रीब्यूटेबल टू द फैक्ट दैट पीपल स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब एंड हेंस वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर रेशियो, नॉट दैट पीपल वर ऑब्टेनिंग वर्क द न्यूमरेटर ऑफ दैट रेशियो। अब मुझे कोई इस लाइन का मतलब बता सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है? ये बेसिकली पिछले वाले पॉइंट से ही लिंक करती है, बट इस लाइन का मतलब क्या है? लाइक सेकंड फैक्ट था क्या असल में, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप हुआ किस वजह से? ये बता सकते हैं इस लाइन का मतलब? फुरकान, इकबाल, अली, अली मौजूद भी हो सर, या कौन सी लाइन का? ये वाली लाइन का, मैं दोबारा लाइन रिपीट कर देता हूँ। However, the second fact was that all of this dropped, all of this was attributable to the fact that people stopped looking for the work, not that people were obtaining job. इस लाइन का सर, इस लाइन का मतलब तो यही है ना कि लोगों ने जॉब को सर्च करना स्टॉप कर दिया और वो जॉब भी, मतलब उनको जॉब भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से नहीं कि उनको जॉब मिल गई, बिल्कुल सही आपने इंटरप्रेट किया फुरकान, बट थोड़ा सा मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ। हमने जो ऊपर बात की ना कि जब स्टेट्स ने जो है वो अपने हफ्ते जो है वो कम किए तो सडनली हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे वो चीज़ बताने वाली है कि इन्फ्लेशन इसलिए रिड्यूस नहीं हुआ कि लोगों को नौकरियां मिलने लगी, बल्कि इन्फ्लेशन इसलिए रिड्यूस हुआ क्योंकि लोगों ने जॉब सर्च करना ही छोड़ दिया। आप अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डिटर्मन करेंगे? आप अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से डिटर्मन करेंगे कि लोग जॉब्स के लिए जाके इंटरव्यूज दे रहे हो, लोग जॉब के लिए जाके एप्लीकेशंस ड्रॉप कर रहे हो, लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोग जॉब के लिए जाके परस्यू कर रहे हो, वहीं से आप अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकालेंगे ना। एक बंदा घर में बैठा हुआ है, आप वहां से तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते ना, क्योंकि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये जो आपका इन्फ्लेशन ड्रॉप डाउन था ये इस वजह से नहीं था कि लोगों को जॉब मिल गई, बल्कि ये इस वजह से था कि लोगों ने बेसिकली जॉब को सर्च करना ही छोड़ दिया। ठीक है, मोटिवेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद ये चीज़ कही गई कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोटिवेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं उसको कंटिन्यू किया जाए या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को कंटिन्यूसली लोगों को देते रहा जाए, सो दैट लोग जो है वो अपनी जॉब सर्चिंग को या सो दैट लोग अपनी इस वाले एफर्ट को जो है वो कंटिन्यू रखें कि जी आप जो है वो अपनी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट है, ये बेनिफिट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन थोड़े नहीं
थोड़ा सा ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि आप इजीली इस पर्टिकुलर बेनिफिट को जो है वो आगे कैस्केड कर सके, इस पर्टिकुलर बेनिफिट को आगे कटेल कर सके. और जब आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रन आउट हो जाए, लाइक वो पीरियड खत्म हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, लोग सिंपली लोगों को ढूंढना छोड़, जॉबों को ढूंढना छोड़ देंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेनिफिट जो आपके पास है, जो बेनिफिट आप दे रहे हैं, ये बेनिफिट जो है ये उनके लिए एज सच कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहता, बल्कि वो इसको अपना लेजिटिमेट राइट कंसिडर कर लेते हैं. तो इन ऑर्डर टू कर्टेल दैट, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आपको वो पीरियड छोटा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट जो आपका पीरियड है आप उसी पीरियड को उतने पे ही रखें. क्योंकि अल्टीमेटली उस पीरियड के अंदर जिसको जॉब ढूंढनी होगी वो ढूंढेगा, जिसको जॉब नहीं ढूंढनी होगी वो जॉब को कंटिन्यू नहीं रखेगा. ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हम जो आते हैं, ये जो हमारे पास डाउट सर, ये तो फिर एक नुकसान ही है ना वापसी, मतलब अगर वापसी वो का कंटिन्यू करेंगे देना बेनिफिट. हाँ 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 बोलो, आगे क्या कह रहे हो अली सर? मेरा भी एक सवाल है. बोलो सर. क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट शुड बी गिवन टू एम्प्लॉइज, मतलब उनको बेनिफिट्स देना चाहिए. हाँ. तो आपने फिर बाद में कहा कि जब अगर हम उन्हें बेनिफिट देंगे तो वो जॉब सर्च करते रहेंगे. सर मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ गवर्नमेंट गिव्स देम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सो दे वॉन्ट सर्च द जॉब, सर वो स्टॉप कर देंगे सर्चिंग, बिकॉज दे आर पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑन मंथली बेसिस. सर वो तो जॉब करना सर्च करना बंद कर देंगे. देखो फुरकान बेटा, इसके अंदर जो है वो यही चीज़ हाईलाइट की गई थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने डाउनसाइज जब किया, डाउनसाइज करने के बाद उन्होंने जब एक पोर्शन के लोगों को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो उनको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्टाइपेंड या अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर रहे थे. ठीक है, अब गवर्नमेंट ये चाह रही है या ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है कि जी हम इस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के पीरियड को कम कर दें. यानी अगर मिसाल के तौर पे 12-26 हफ्ते देते हैं या 28 हफ्ते देते हैं तो इसको कम कर दें. तो एचआर की स्टडी ये बेसिकली आपको ये बता रही है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ बेनिफिट जो कि आप अगर लोगों को एक कंसिडरेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते रहेंगे तो पीपल विल बी मोटिवेटेड इनफ. कोई मसला नहीं आ रही. पीपल विल बी मोटिवेटेड इनफ कि वो अपनी जॉब को सर्च करते रहें. मीन्स अगर आप इस पीरियड को एक सिग्निफिकेंट टाइम के ऊपर रिड्यूस कर देते हैं, लाइक आपने उसको आधे हफ्तों के लिए कर दिया, तो व्हाट पीपल विल डू इज दैट वो लोग जॉब सर्च करना ही छोड़ देंगे. वो ये कहेंगे कि जी कुछ नहीं करना, घर पे बैठो, दूसरा कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, जब कंपनी हमें बुलाएगी तब हम देखेंगे. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें वो कंपनीज जो है लोगों को मोटिवेट करती है कि देखिए हमने आपको निकाला ज़रूर है, लेकिन बीइंग एज अ ओनर या बीइंग एज सोशली रिस्पॉन्सिबल, हम आपको इतने टाइम के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, ताकि वो लोग मोटिवेट रहें, ताकि वो लोग अश्योर रहें, ताकि उन लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ हो कि जी हमें जॉब ढूंढना है. ठीक है, अल्टीमेटली उस बेनिफिट ने रन आउट हो जाना है, अल्टीमेटली उस बेनिफिट ने ख़त्म हो जाना है. लेकिन उस बेनिफिट के ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि लोग जो है वो फिर उस बेनिफिट के ख़त्म होने के बाद जॉब सर्च अपनी छोड़ देंगे. उस बेनिफिट के ख़त्म होने का सिर्फ मकसद ये है कि एज़ पर पॉलिसी गवर्नमेंट जो एज़ पर पॉलिसी कंपनी आपको सारी ज़िंदगी वो बेनिफिट नहीं दे सकती. तो व्हाट कंपनी इंटेंड टू डू इज़ दैट कि वो पॉलिसी को कंप्लाई करके उसके इक्विवेलेंट जो है पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर वो स्टाइपेंड दे, ना कि उसको कम करे या उसको ज़्यादा करे. क्योंकि ज़्यादा कर देगी तभी वो काम करना छोड़ देंगे, कम कर देंगे तब भी वो काम करना छोड़ देंगे, काम ढूंढना छोड़ देंगे, तो दोनों सिचुएशन एक्सट्रीम बन जाएंगे. तो इसलिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट कि जी आप अपनी जो पॉलिसी है उसको अपनी स्टेट के रूल्स के मुताबिक कंप्लाई करा दें, ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आप जस्टिफाइबली लोगों को कन्विंस कर सकें और मोटिवेट कर सकें अपनी जॉब को सर्च कर सकें. ठीक हो गया फुरकान. अली कोई सवाल पूछ रहे थे बेटा. मोहम्मद अली अवेलेबल हो या चले गए? अली, अच्छा आई थिंक अली का ऑडियो वीडियो दोनों क्लोज हुआ है. ओके चलें जी. हैविंग सेड दैट, ये हमारे पास जो है वो हमने एक डाउनसाइजिंग का जो है वो एलिमेंट देखा. डाउनसाइजिंग के एलिमेंट्स को देख के हम मजीद फर्दर आगे जो है वो चलते हैं. अच्छा इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और चीज़ जो कंपनी एक और चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है वो यूज़ करती है अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम्स एंड बाय आउट. किसी को अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम के बारे में पता? अर्ली रिटायरमेंट प्रोग्राम क्या होता है?
एनी आइडिया क्या रिटायरमेंट प्रोग्राम क्या चीज है या ये किस बला का नाम है? बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दे रहे होते हैं तो उसमें एक बेनिफिट जो है जिसको हम कॉमनली गोल्डन हैंडशेक के नाम से जो है वो जानते हैं, वो ये होता है कि कंपनी अपनी तमाम की तमाम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देती है और लाइबिलिटी पे ऑफ करके जो है उसको अपने पास जो है बंदे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, ठीक है? एक तो ये सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन हमारे पास होती है अर्ली रिटायरमेंट की। अर्ली रिटायरमेंट की सिचुएशन ये कहती है कि सपोजिटली आपके पास जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली जो रिटायरमेंट एज है एक कंपनी के अंदर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो है 50 ईयर्स की, ठीक है? तो व्हाट कंपनी डू इज दैट, कंपनी जो है वो अपनी रिटायरमेंट एज आपकी जो है वो 50 ईयर्स से रिड्यूस करके 40 ईयर्स पे कर देती है, ठीक है? ये आपके पास अर्ली रिटायरमेंट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब अर्ली रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास वेस्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। क्यों वेस्ट के अंदर कॉमन होता चला जा रहा है? बिकॉज वेस्ट के अंदर पहले ये था कि जो आपकी आपके जो बेबी बूमर्स हैं जो ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज के ऊपर चलता है, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, ये जनरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उसी चीज़ को उसी कॉन्टेक्स्ट को जो है वो आगे लेके चल रहा हूँ कि बेबी बूमर्स जो हमारे पास है वो ट्रेडिशनल रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रिज्यूम करते हैं और उनकी इंटेंशन ये होती है कि जी हमें कंपनी को जल्दी नहीं छोड़ना, लाइक हमें 60 साल 65 साल तक कंटिन्यूसली काम करना है ताकि हम आगे अपनी वेलबींग के ऊपर जो है वो काम कर सकें, ठीक है? बट वट कंपनीज इज डूइंग इज दैट कंपनी अब जो है वो अब इस तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को जो है वो चेंज कर रही है और कॉन्सेप्ट को चेंज करके वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अब आपके पास जो है चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो लेबर फोर्स की फिजिकल लेबर स्ट्रेंथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, तो कंपनीज आर ऑफ द ओपिनियन के जी इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग ओल्ड एम्प्लॉयज फॉर द वेरी मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट दे इंटेंड टू डू इज दैट दे आर ट्राइंग टू कंसिडर द फैक्ट दैट दे आर ट्राइंग टू कंसिडर द सिचुएशन वेयर दे आर कंसिडरिंग डिसकंटिन्यू पीपल ओवर अर्ली रिटायरमेंट दैट दे आर लुकिंग फॉर द ऑप्शन के जी लोग जो है वो ज्यादा से जल्दी जो है वो लोगों को रिटायर कर दें। इसका एक और ऑप्शन जो वो देते हैं वो ये देते हैं इस रिड्यूस्ड रिटायरमेंट का या अर्ली रिटायरमेंट का जो ऑप्शन है इसका फायदा क्या होगा, इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट फायदा होगा ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज एज निकल जाएगी यानी एवरेज एज कम हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन आप यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि जो जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनका सोशल सिक्योरिटी वाला फेयर है या जो ये कहते हैं कि जी हमारी सोशल सिक्योरिटी जो है वो नहीं हो पाएगी, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि आप उनको ये करते हैं कि आप उनको डिसकंटिन्यू करते हैं और उनके एंड सर्विस बेनिफिट्स या सोशल बेनिफिट्स जो है उसकी स्टार्टिंग डेट पहले कर देते हैं। पहले ही अब ये होता है कि अभी इंटरनेशनली जो आपकी ओके वी विल बी कीपिंग इट टिल हियर क्योंकि एक मिनट रह गया है तो मैं ये सेशन जो है वो क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन ऑन कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद हम उसमें इसको जो है वो मजीद फर्दर आगे डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लूँगा।